हाय, तो आज की रेसिपी ना सुपर डुपर डिलीशियस होने वाली है। तो करना क्या है, ऑयल लेना है 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने जीरा डाल दिया, ठीक है। 1 टीस्पून जीरा डालना है। अब इसको सॉटे कर लेना। फिर इसमें डालना है 1 मीडियम साइज़ का चॉप्ड अनियन। अच्छे से इसे फ्राई कर लेना जब तक कि ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए बस इसमें ऐड कर देंगे हम 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो। अच्छा, मैं भी ये रेसिपी ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। एनीवेज, अब इसे थोड़ा सा चला लिया और इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम 1 मीडियम साइज़ का, शिमला मिर्च। तो देखो अब इसमें सारी वेजेस डल गई हैं। अब 3 से 4 मिनट तक इसे ढक करके पका लेंगे ताकि वेजेस अच्छे से कुक हो जाएं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 1/3 टीस्पून मैंने यूज़ किया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर एंड 1/3 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करके इसे अब पकाना है 3 से 4 मिनट तक, ठीक है। और बस 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारा मसाला हो जाएगा रेडी। अब मैंने यहाँ पे 2 बन लिए हैं। बन ज़रूरी नहीं है बर्गर वाला हो, मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला बन यूज़ किया जो चाय के साथ खाते हैं। और इसे बीच से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें इस पे लगाना है सॉस। तो हम यूज़ कर रहे हैं मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस। इसका टेस्ट मतलब मिक्स्ड होता है, थोड़ा स्पाइसी भी आता है, थोड़ा स्वीट सा आता है, जैसे टोमेटो केचप में होता है ना वैसा। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आप इसकी जगह टोमेटो केचप या अगर रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस, कोई सब यूज़ कर सकते हो। फिर डाल रही हूँ मसाला जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है अभी। उसके ऊपर से थोड़ी सी मोजरेला चीज़, यहाँ पर आप स्लाइस वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। और फिर इसके बाद दूसरे साइड जो बन है उस पर मैं लगा रही हूँ तंदूरी मेयोनीज। नॉर्मल मेयोनीज चाहो तो लगा देना, लेकिन तंदूरी मेयोनीज से टेस्ट इसका और इन्हेंस हो जाता है। अब बन को कर लेना है बंद और इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई हम दोनों साइड से करेंगे अच्छे से बिल्कुल। और बटर लगाने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करना, बटर से फ्लेवर अच्छा आएगा इसका। हाँ, तो अभी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, अब इसे सर्व करो, एंजॉय करो। और इसे ट्राई करोगे ना तो बर्गर खाना भी भूल जाओगे, बहुत डिलीशियस लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।